हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मुझे कमेंट आया था कि मैम छोटे बालों में, मान लीजिए कि बॉब कट है, इस टाइप के बालों में डोनेट बन लगाती कैसे आप पार्टी और शादी के लिए हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो आज की वीडियो में यही प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व करने वाली हूँ। तो जिसके भी बाल छोटे हैं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी शादी में इंडियन लुक क्रिएट कर सकते हो इस हेयर स्टाइल के थ्रू। अगर आपके बाल इतने छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं, तो भी बना सकते हो। कैसे बनाया है सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहती हूँ, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी से लाइक कर दो गाइज, एंड सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। एंड सेकेंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिसपे मैं ड्रेस डिजाइनिंग की अमेजिंग वीडियो, ये वाली सूट भी मैंने खुद से स्टिच की है और एक गाउन भी बनाया था इसी कपड़े का, तो वो भी अपलोड किया हुआ है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। एंड कहानी बाय प्रीत तिवारी चैनल में अमेजिंग अमेजिंग गर्ल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहू लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है, ससुराल में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ वीडियो इस पर डालते रहती है, तो जाके चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉब कट के साथ, शॉर्ट हेयर के साथ कैसे बनाओगे आप वेडिंग पार्टी के लिए डोनेट बन हेयर स्टाइल। तो अगर आपके हेयर बॉब कट में हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखिए कितने काफ़ी शॉर्ट हेयर हैं। बॉब कट आप करते हो तो इसी तरीके से होता है और इतना ही छोटा रहता है, तो आपको सिंपली अपने सेंटर में से जहाँ से बीच की मांग निकालते हैं वहाँ से इस तरीके से थ्री लेयर्स लेने हैं। सॉरी, ये फोर लेयर हो गया था, थ्री लेयर आपको लेने हैं। देन जो हम लोग उल्टी चोटी बनाते हैं उस तरीके से आपको बनाना है, बीच वाले पार्ट को ऊपर की तरफ से लेके आना, इस तरीके से करते जाएंगे एंड बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल आपका बन के रेडी हो जाएगा बॉब हेयर कट में भी। तो इस तरीके से साइड से थोड़े थोड़े हेयर लेते जाने हैं और इसमें ऐड करते जाना है नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से नहीं करना। ये देखिए यहाँ से ऐसे हेयर लिया एंड नीचे की तरफ से ऐड करना है, ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से नीचे की तरफ से ऐड करेंगे और थोड़े थोड़े हेयर लेते जाएंगे साइड से। ये देखिए कितने छोटे हेयर हैं, आप ध्यान से देख सकते हो, बहुत इतने छोटे हेयर में गजरे के साथ भी डोनेट बन के साथ। अभी नेक्स्ट हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा अभी। तो देखिए ऊपर वाले हेयर को ऐसे छोड़ देना है, देन साइड से हेयर लेंगे और नीचे वाले में ऐड करते जाना है, अच्छे से कॉम करके फिनिशिंग ला देंगे इसके अंदर और ऊपर वाले हेयर को नीचे की तरफ से लेके जाएंगे। देन अगेन दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है, ऊपर वाले हेयर को छोड़ेंगे एंड साइड से हेयर को लेके नीचे वाले हेयर के साथ लेयर के साथ मिक्स कर देंगे। ओके, आप चाहो तो पूरा भी गूँथ सकते हो और चाहो तो जितना मैं गूँथने वाली हूँ उतना भी गूँथ के छोड़ सकते हो, मतलब ब्रेड बना के छोड़ सकते हो इस तरीके से। काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा लगेगा, आप ये हेयर स्टाइल ट्राई ज़रूर करना। अगर आप कॉलेज गर्ल्स हो, आप बहुत छोटा बाल रखते हो तो ये ट्राई कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड शादी पार्टी में हमारे बाल इतने छोटे होते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज होते हैं कैसे इंडियन लुक दें, बड़ा सा जूड़ा एंड गजरा वजरा वाला, तो वो नेक्स्ट हेयर स्टाइल में बताने वाली हूँ। एंड एंड पार्ट के हेयर को इस तरीके से बना लेना है एंड चाहो तो यहाँ पे रबड़ बैंड लगा सकते हो, मैं टिक टैक क्लिप लगा के छोड़ दी हूँ, आप रबड़ बैंड लगा लेना, ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब आपको बालों को इस तरीके से जो चोटी है इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से खींचते जाना है, जिससे कि इसमें थोड़ा वॉल्यूम देखे और हेयर स्टाइल का लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आए। फिर देखिए इस तरीके से, देन इसको आप चाहो तो स्कैल्प के हेयर के साथ अटैच करके यहाँ पे लगा सकते हो क्लिप, बट क्लिप से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप रबड़ बैंड लगा के छोड़ना, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो इस तरीके का लुक आएगा एंड छोटे बालों में काफ़ी अच्छे से बना लोगे आप। देख सकते हो आप साइड से कुछ ऐसा लुक दिखेगा, फ्रंट से ऐसे दिखेगा और इस साइड से ऐसा दिखेगा, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा खींच देते हैं जिससे कि लुक जो है वो और अच्छा आए। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। सेकंड हेयर स्टाइल होगा गजरे के साथ डोनेट बन के साथ, बहुत छोटे बालों में डोनेट बन के साथ इंडियन पार्टी वेडिंग के लिए हेयर स्टाइल। देखिए कितने छोटे बाल हैं, इतने छोटे बालों में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छे से बालों को कॉम कर लिया है, देन जहाँ तक आपका इस तरीके से हेयर को कॉम करके सारे बालों को एक साथ ले लेना है और एक पोनी बना देनी है। ओके, साइड से लेयर निकाल देंगे, ये काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए। अब यहाँ पे इस तरीके से रबड़ बैंड की मदद से इसको टाइट करेंगे, हेयर को टाइट करने के बाद आप देख सकते हो नीचे का जो हेयर है वो निकल जा रहा है, तो वहाँ पे आप टिक टेक क्लिप लगा लीजिएगा, आपका नहीं भी निकले तो भी लगा लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट हैं तो निकल सकते हैं, बाद में आपका हेयर स्टाइल ख़राब कर सकता है, तो आप ये लगा लीजिएगा ताकि
कोई चांस ना रहे हेयर नीचे से निकलने का। अब इतने छोटे बालों में डोनट बन ले लेते हैं। एंड ये मैंने डोनट बन ले लिया है, ये लेयर्स निकाल दिए हैं। ये देखिए इतने छोटे बाल हैं, इतने छोटे बालों में इतना बड़ा डोनट बन कैसे यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये डोनट बन मैंने लिया है, देन सिंपली जैसे हम लोग डोनट बन बड़े बालों में लगाते हैं वैसे ही करना है। बट आप इसको ढकने के लिए कवर करने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए क्या करना है, पहले डोनट बन को अच्छे से सेट कर देते हैं एक जगह पे। अब आप सिंपली जैसे लंबे बालों में करते हो ना वैसे ही करना है, लेकिन ये साइड साइड से निकल जाएंगे बाल, तो उसका क्या करना है वो भी बताने वाली हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे इस तरीके से हाफ हाफ पार्टीशन कर ली है बालों की, और अच्छे से फैलाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक फैल रहा है फैला लो, जो बच रहे हैं उनको मैं बाद में बताऊँगी कैसे एडजस्ट करना है। पतला वाला रबड़ बैंड लेना है, देन इसके ऊपर से ऐसे लगा देना है। लगा तो दिया, बट देखिए साइड में भी बहुत कम बाल हैं और ऊपर से जुड़े जुड़े के ऊपर से भी हेयर इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सॉरी मैं यहाँ पे सेटिंग स्प्रे ढूंढ रही थी। तो ये सेटिंग स्प्रे हार्ड सेटिंग स्प्रे है जो का है, ये आपको 300-350 समथिंग में मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छे से बालों को होल्ड करता है और लॉन्ग टाइम तक अपनी जगह पे टिकाए रखता है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे हेयर है ना उनको कॉम कर लेना है सेटिंग स्प्रे लगा के। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको लेना है यू पिन, और जहाँ पे इसे निकल रहे हैं वहीं पे आप इसको यू पिन को लगा दोगे, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल अच्छे से बन जाए। अब इस साइड भी एक लगा देंगे। ध्यान से देखिए, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा नहीं है कि खुल जाएगा। अब जो छोटे छोटे हेयर हैं इनको इस तरीके से ट्विस्ट करके साथ के साथ यू पिन से सेट करते जाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बॉब कट में आप इस तरीके से बड़ा डोनेट बन वाला जुड़ा कैसे बनाओगे, कि कितना प्यारा लग रहा है। और बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत छोटे बालों में आपने बनाया है ये हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से सेट करना है, जहाँ भी आपको लगे हेयर थोड़े से यू पिन ज़्यादा रखिएगा, ताकि छोटे बालों में कई बार यूज करने पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। ये है फाइनल लुक हेयर स्टाइल का, काफ़ी अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर करना। सिल्क लोबन भी बन सकता है ऐसे ही बनाना चाहो तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हेयर रह गया है, तो इसको मैं यू पिन लगा के सेट कर दूँगी अच्छे से। इस तरीके से यू पिन लगा के सेट कर लेना है, और ये है बन का फाइनल लुक। इसके साथ आप इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए गजरा एंड फ्लावर वाला यूपिंस वगैरह ऐड कर सकते हो। तो उसको कैसे लगाना है चलिए वो भी बता देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये देखिए, ये मैंने गजरा लिया है, देन साइड से लगा दो तो एकदम बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपके बाल बहुत छोटे हैं। और आप बीच में इस तरीके से यूपिंस से गजरे को अच्छे से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद से इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट आपको थोड़ा सा और डेकोरेट करना है तो इस तरीके का फ्लावर वाला यूपिन आपको 10 से 12 रुपए में एक यूपिन मिलता है, तो आप ये ले सकते हो थोड़ा सा और डेकोरेटिव और स्टाइलिश सा अपना हेयर स्टाइल का लुक दिखाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम हो गया था, प्लीज़ इग्नोर इट। एंड हेयर स्टाइल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और भी कुछ जानना हो किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए छोटे बालों पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा हेयर स्टाइल, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और भी कोई कमेंट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किस टाइप के हेयर पे आपको हेयर स्टाइल चाहिए। एंड हाँ, एक भाई ने मेरे कमेंट किया था कि मैम मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, आपके हेयर तो लंबे हैं और आप शॉर्ट हेयर के लिए वीडियोज बनाते हो। तो डियर, आप शायद वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो, मैं सब में बताती हूँ कि मेरे हेयर लॉन्ग हैं, बट आप ये हेयर स्टाइल शॉर्ट हेयर पे भी कर सकते हो। तो आप ट्राई कीजिएगा, जो जो हेयर स्टाइल मैंने बताया सारे शॉर्ट हेयर पे हो जाएंगे। जिस भी मैंने शॉर्ट हेयर पे नहीं हो सकता है उसका टाइटल मैंने नहीं डाला शॉर्ट हेयर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ट्राई जरूर कर लेना।